हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें विस्कोसिटी पढ़ेंगे हम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और एक आइडियल लिक्विड क्या होता है उसको क्या बोलते हैं। एक आइडियल लिक्विड वो होता है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो होती है और उसमें जो विस्कस फोर्स लगता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो होता है। और हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने पढ़ा था कि अगर कोई लिक्विड सिंपल है, एक पाइप में फ्लो कर रहा है और बिल्कुल ऐसे ही लेयर बना बना के, सारी की सारी लेयर ऐसे ही हैं, ऐसे ही लेयर बना बना के फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी। इससे पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है कि इतनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। यहाँ पर कोई पार्टिकल उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टिकल आएगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, यहाँ पर आने पर इसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है कि 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है, तो यानी जो वेलोसिटी है किसी भी लिक्विड की, एक ऐसा फ्लो जब वेलोसिटी किसी भी लिक्विड की किसी पॉइंट पर डिपेंड करे ना कि पार्टिकल पर, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और उसकी डायरेक्शन भी हर एक पार्टिकल की जो भी यहाँ पर आएगा उसकी डायरेक्शन, अगर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है तो हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन यही होगी। तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ठीक। तो अब ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो था किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक था। अगर हम इस लिक्विड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कर दें तो ये फ्लो जो है लिक्विड का, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो ना रहकर क्या बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। फिर हमने इसमें रिलोंड्स, वो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा था, वो हमको किसने दिया था, रेनॉल्ड्स ने दिया था, रेनॉल्ड्स। तो उसके लिए फॉर्मूला, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, के एन अपॉन रो ए। ठीक है, ये नीटा बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, वेयर के इज़ द रेनॉल्ड्स नंबर एंड एन इज़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है आप लोगों का, एंड रो आप लोगों का क्या है, रो डेंसिटी है लिक्विड की और ए आपका रेडियस है जिस पाइप में वो फ्लो कर रहा है। तो ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी, इसमें जो वर्ड था, ये जो वर्ड है, ये जो सिंबल है इसमें विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी है, ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे इसमें। तो पहले यहाँ पर जो लिखा हो उसको पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे आराम से। विस्कोसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी। यानी ये एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। ठीक है, मैंने पहले भी ये बात बोली है, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पढ़नी है, तो उसमें एक वर्ड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज़ है वो है क्या चीज़, इन रियलिटी है क्या चीज़ वो। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, विस्कोसिटी क्या, एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, जो जिसके कारण वो क्या करता है, उस लिक्विड के फ्लो को अपोज, उस लिक्विड का जो फ्लो होता है उसके लेयर्स के बीच में, उसके लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है। ठीक है, जैसे कि ये सेम जो काम है, ये हमारा जो हमारा मैकेनिकल फोर्स होता है, सिंपल जब हम चलते हैं, गाड़ी आप लोगों की सड़क पर चल रही है तो उस समय जो है एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो जो काम फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है वही काम लिक्विड्स में विस्कोसिटी करता है। ठीक है, उसके फ्लो को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब समझते हैं इसे क्या है। सपोज मान लेते हैं ये कोई भी ग्राउंड है, ये ए और बी जो दिखा हुआ है यहाँ पर जो है, ये ग्राउंड का जो है सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लेयर है, ये मान लेते हैं ये फर्स्ट लेयर है जो इससे टच्ड है। ठीक है, इस लिक्विड की जो फर्स्ट लेयर है ये इससे टच्ड है। ठीक है, अब तो इस लेयर की कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। जो लेयर सपोज़ करो कोई भी लिक्विड है और मैंने यहाँ पर इसको फ्लो कराया, किसी भी लिक्विड को डाल दिया और ये फ्लो करने लग गया, नहर में पानी चलता है,
हम देख सकते हैं। तो जो सबसे नीचे की जो लेयर है पानी की वो ग्राउंड से टच है, तो उसकी जो आप रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे वो ज़ीरो कहेंगे। उस लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। देन उसके ऊपर की लेयर ये मान लेता हूँ मैं, ये फर्स्ट लेयर मान लेते हैं। उस पहली लेयर के ऊपर की जो पहली लेयर है जो ग्राउंड, ये तो पहली लेयर वो है जो ग्राउंड से टच्ड है। इसके ऊपर जो लेयर है तो उसको नाम मैंने लेट्स से ए बोल दिया। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये कुछ फ्लो, ये जो ग्राउंड है ज़ीरो पर है। अगर इसकी सबसे इस लेयर की, देखो ये लेयर जो चल रही होगी ना, इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि अभी चल रही है तभी तो वहाँ कोई भी, मानो नहर में पानी आ रहा है तो जब स्टार्टिंग में आ रहा है तो भाई वो जो नीचे वाली लेयर है उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, ठीक है, तभी तो वो आ रहा है पानी, अदरवाइज नहीं आता वो। लेकिन पानी कैसे आता है ये देखना, जो पानी आता है वो ऐसे ऐसे करके आता है, मतलब ऊपर से आ रहा होता है, नीचे नीचे टच होता जाता है, नीचे नीचे वो उससे ग्राउंड से लगा जाता है। तो जब वो एक बार टच हो गया ना, अब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। अब इससे ऊपर की जो लेयर है इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन इससे ज़्यादा, तो ये मूव कर रही होगी किसी वेलोसिटी के साथ। इससे ऊपर की जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी, इससे ऊपर की जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी, और उससे ऊपर की जो वेलोसिटी होगी उससे, ये जो एरो दिख रहे हैं जो जितने ही आगे हैं, इसका मीनिंग ये है उस लेयर की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये जो सबसे नीचे की लेयर है, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो किसी भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी जो लेयर्स हैं उनका जो फोर्स, सॉरी उनमें की जो वेलोसिटी है, जैसे जैसे वो ग्राउंड से ऊपर बढ़ती जा रही हैं तो उनकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यानी अगर जब आपने नहर में या नदी में कोई भी पानी देखा होगा जब फ्लो कर रहा होगा, तो उसके ऊपर की जो सबसे, जो हमें दिखता है सबसे ऊपर, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि नीचे नीचे जितनी भी ज़्यादा लेयर्स होंगी उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है पानी की, ऊपर से जो हमें दिखता है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, नीचे देखेंगे तो पानी शांत होता रहता है, उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता लगा, अब ये जो लेयर्स हैं इनकी वेलोसिटी, इनके बीच में एक विस्कस फोर्स लगता है, इनके बीच में ना एक विस्कस फोर्स लगता है। विस्कस फोर्स क्यों लगता है, विस्कोसिटी के कारण। अब हर एक लिक्विड की अलग विस्कोसिटी होती है, जिस लिक्विड की ज़्यादा विस्कोसिटी होगी वो कम फ्लो करता है। जैसे कि कंपैरिजन में ले लें हम हनी यानी शहद, अगर आप शहद लें और पानी को कंपैरिजन करें, और एक शहद लें और उसको ऐसे ड्रॉप करें किसी कप से या बोतल से, जो भी है जिसमें भी वो है, और वो धीरे धीरे निकलेगा उसमें से। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग पानी को लेते हैं तो पानी क्या करता है, आप उसे ऐसे निकालें तो वो ईजिली निकल जाता है, उसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम क्या नहीं होती, मतलब सिंपली ईजिली वो निकल जाता है। और हनी जो होता है आप लोगों का, वो क्या होता है, हनी धीरे 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 निकलेगा। इसी तरह से एक होता है, कॉमन लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं तारकोल, ठीक है। तारकोल होता है जो आप लोगों का उसमें देखा होगा आपने, सड़क बनते हैं जिसकी, ठीक है। वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। आप गुलाब जामुन बनाते हैं उसकी चाशनी ले लीजिए आप, ठीक है। वो क्या होती है, पहले वो सिंपल पानी होता है, उसमें जब चीनी मिला देते हैं तो उसकी चाशनी बहुत ज़्यादा क्या होती है, गाढ़ी हो जाती है, तो उतना ही कम फ्लो करने लगता है। तो जो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, जो जितना ज़्यादा थिकर होगा, जो लिक्विड जितना ज़्यादा थिक होगा, मोटा होगा, थिकर होगा, उसकी उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, यानी उसके लेयर्स के बीच में उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा और उसकी वेलोसिटी कम होगी, वो कम तेज़ी से फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू थिनर। थिनर एक ऐसा कोई भी लिक्विड होगा जो थिनर होगा, पतला होगा, ये नॉर्मल सी बात है, बस यहाँ पर हमें फिजिक्स में एक टॉपिक के तौर पर दे दी गई है, इसे हम इजीली समझ सकते हैं ताकि हम इसके अंदर के जो कोर कंसेप्ट है उनको समझ सके। ये इजीली सबको समझ में आ सकता है कि कोई भी एक गाढ़ा लिक्विड होता है वो कम तेज़ी से फ्लो करता है, जबकि जो एक थिनर लिक्विड होता है वो ईजिली फ्लो कर जाता है, तेज़ी से फ्लो करता है, ठीक है।
तो कहाँ पर थे हम? हाँ, तो डिस्कस कर रहे थे कि जो एक लिक्विड होता है, थीकर लिक्विड होता है, वो उसके पास ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, गाढ़ा लिक्विड होता है, और तो कम तेज़ी से फ्लो करता है क्योंकि उसकी लेयर्स के बीच में ज़्यादा विस्कस फोर्स लगता है। एक नीचे की लेयर यह है इसके, और एक ऊपर की लेयर यह है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये लाइन पढ़ते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल से एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में कि अगर हम किसी, देखो अगर विस्कोसिटी ना होती कैसे कह सकते हैं विस्कोसिटी है। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज एट रेस्ट, इट विल बी इन द सेम स्टेट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब तक कि कोई बाहर का फोर्स ना लगे। तो जब हम एक लिक्विड को स्टीर करते हैं, घुमाते हैं किसी भी उसमें, तो ग्लास में घुमा ले, तो उसका जो लिक्विड होता है थोड़ी देर के बाद क्या आता है, रेस्ट पर आ जाता है, रुक जाता है। अब हमने तो उसे घुमा दिया था, फोर्स दे दिया था, उसके बाद उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो रुका कैसे? ठीक है, तो यहाँ से प्रूव होता है कि उनकी लेयर के बीच में क्या है, विस्कस फोर्स लग रहा है। ठीक, तो जो उसको मतलब रेस्ट पर लेके आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके लेयर्स के बीच में, लिक्विड के लेयर के बीच में फोर्स होगा। नाउ स्टील लिक्विड व्हेन लेफ्ट कम्स टू एट रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द विस्कोसिटी। थिकर लिक्विड लाइक हनी, कोलतार, ग्लिसरीन, ये सब हमारी देखते हैं डेली लाइफ में एक्सेट्रा, हैव अ लार्जर विस्कोसिटी देन द थिनर लाइक द वाटर। वी कैन वॉक फास्टर इन एयर बट नॉट इन वाटर ड्यू टू द विस्कोसिटी। अगर हम पानी में चलें तो क्या होता है, पानी में अगर मूव करें तो क्या होता है, ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, हमारे ज़्यादा क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी होती है। ऑन द अदर हैंड जो एयर है, एयर भी एक फ्लूइड है और उसके लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी है, लेकिन वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। नाउ अब विस्कोसिटी कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा हुआ है, ये ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखना और इसको याद रखना हमेशा कि विस्कोसिटी कम इनटू प्ले, विस्कोसिटी अपना रोल तब निभाती है जब देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, जब लेयर्स के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। अगर कोई लिक्विड एक रेस्ट पर रखा हुआ, उसकी उसमें कोई भी क्या बोलते हैं, उसके लेयर्स के बीच में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो विस्कोसिटी नहीं है। जैसा कि फ्रिक्शन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पर रखा हुआ, तो रखा हुआ है, जस्ट रखा हुआ है, तो उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स है तो नहीं है, इसमें कोई मतलब आप कोई मतलब नहीं है। जब आप उससे फोर्स लगाते हैं, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, जैसे कि ये रखा हुआ है, अगर मैं इस पर, इस समय इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, कह सकते हैं हाँ उसके कारण ये रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन वो अपना प्ले रोल तभी प्ले करेगा जब मैं इसे फोर्स लगाऊंगा, वो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से लिक्विड की लेयर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तभी विस्कोसिटी अपना काम करती है, अदरवाइज वो सिंपल कुछ नहीं होता उसमें। हाँ, और एक चीज़ और, ये सेम मटेरियल सेम लिक्विड के लेयर के बीच में लगता है, दो अपोजिट लिक्विड के, दो डिफरेंट लिक्विड के लेयर्स के बीच में नहीं बात करेंगे, वहाँ पर अलग फोर्स की बात होती है, फिर वो अभी फ़िलहाल हमारा काम नहीं है उसे पढ़ना। दिस वाई इट डज नॉट एक्ट इन सॉलिड्स, यही रीज़न है कि ये सॉलिड्स में काम नहीं करता विस्कोसिटी। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके लेयर्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होता ही नहीं है। ठीक है, वो चलता ही नहीं है, उसकी लेयर्स चलती ही नहीं है। नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों का, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज डेल वी अपॉन डेल एक्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है विद द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, जो विद द डिस्टेंस डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मान लो इस डायरेक्शन में कोई भी फ्लो हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, अगर ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो इसका परपेंडिकुलर तो यही होगा। यहाँ का जो ये डिस्टेंस है ग्राउंड और इस लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है,
उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, कितनी चेंज हो रही है, तो उसे उसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे समझो, थोड़ा सा ट्राई करना है इसे समझने की, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं हम समझेंगे इसे। मान लो ये कोई एक ग्राउंड है और इसके ऊपर ये आप लोगों का ये डेल एक्स है और ये एक्स है। ये एक्स दूरी पर, इस ग्राउंड से एक्स दूरी पर कोई लेयर है पी क्यू, जिसका नाम है पी क्यू, और ये वी वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, ठीक है, नॉर्मल। तो इससे डेल एक्स की दूरी पर, इस लेयर से डेल एक्स की ऊपर दूरी पर क्या है, कोई भी लेयर है, दूसरा नाम, दूसरी लेयर है जिसका नाम है इस वाटर की, सॉरी इस लिक्विड की लेयर है जिसका नाम है आर एस, ठीक है। और देखो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आप कोई भी लिक्विड की लेयर है ग्राउंड से ऊपर बढ़ती रहेगी उसकी वेलोसिटी, अगर वो फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, उस लेयर की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो क्योंकि ये इससे ऊपर है तो इस लेयर की वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी इस लेयर से ज़्यादा होगी। तो हमने उसमें क्या किया, मान लेते कुछ चेंज आ गया होगा, वी इसकी वी थी तो इसमें ये डेल वी बन गई। नाउ इतना डिस्टेंस ऊपर जाने पर इतनी वेलोसिटी बढ़ रही है, डेल एक्स डिस्टेंस ऊपर जाने पर डेल वी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसी को बोलेंगे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी इनका रेशियो डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी पर सेकंड, पर सेकंड सिंपल, हाँ पर सेकंड, और डायमेंशन इसकी पर सेकंड है तो टी माइनस टी की पावर माइनस वन। नाउ विस्कस फोर्स, ये बहुत थोड़ा सा अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया और इसको आराम से समझना। विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स बताया हमने जो लेयर्स के बीच में लगता है, अब कितना लगेगा, ठीक है बता तो दिया आपने, अभी तक हमने ये समझा कि विस्कस फोर्स लगेगा इन लेयर्स के बीच में, जो है विस्कस फोर्स लगेगा, बट कितना लगेगा, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं कितना लगेगा, इसी तरह से इसमें जो फ्लूइड्स की जब हम हाँ मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये बताएंगे विस्कस फोर्स लगेगा लेकिन कितना लगेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन ने हमें बताया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू लेयर, जो दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स लग रहा है ऑफ द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लाइन, जो कि स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहे हैं, टर्बुलेंट फ्लो की बात नहीं हो रही है, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो की बात नहीं हो रही है। मोशन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये विस्कस फोर्स, एक इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द लेयर, कि जो दो लेयर कॉन्टैक्ट में है, इनके बीच का जो दो लेयर हैं, एक लेयर ये एक लेयर ये, इनके बीच में कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया कितना है, ठीक है, एरिया ऑफ सॉरी हाँ कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया नहीं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है सॉरी ठीक है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है ये मतलब इम्पोर्टेंट है। भले ये लेयर इतनी बड़ी हो और ये नीचे की लेयर छोटी है मान लो, या नीचे की लेयर बहुत बड़ी है और ऊपर की लेयर छोटी है, तो इन दोनों के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है ये मैटर करता है, ठीक है, वो कितनी उनका पूरे पर्टिकुलर, इसका एरिया ज़्यादा है या इसका एरिया बहुत ज़्यादा है इससे मैटर नहीं करता, कॉन्टैक्ट में कितना एरिया है उससे मैटर करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है, अब इसका एरिया ज़्यादा है और इसके सिर्फ कॉन्टैक्ट में ये इतना ही है, तो जितना कॉन्टैक्ट में है ना उतना एरिया हम लेंगे, ठीक है, उसके एरिया की बात करेंगे हम। नाउ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा क्या है, तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, नाउ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल वी अपॉन डेल एक्स बिटवीन द लेयर्स, तो इट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, डेल वी अपॉन डेल एक्स बिटवीन द लेयर्स, सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल वी अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। तो जब हम इन दोनों लॉ को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग बोथ दिस लॉज, तो हम क्या लिखेंगे, f is directly proportional to a डेल वी अपॉन डेल एक्स, जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, सभी को पता है बहुत दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से आई मीन नाइन्थ क्लास से, तो f इज इक्वल्स टू प्लस माइनस नीटा a डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब ये जो प्लस माइनस है ये क्यों लगा हुआ,
इस यहाँ पर लिखा हुआ मैंने प्लस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स फोर्स एफ बिटवीन द लेयर्स इज म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स. म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स है यानी दोनों इंट्रैक्शन कर रहे हैं, दो लेयर इंट्रैक्शन कर रही है तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है. अगर वो इंट्रैक्शन नहीं करेंगी तो वो फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये कोई लेयर है जो कि जेड डिस्टेंस पर है यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड से. ठीक है, हाँ, तो अब ये लेयर है, ये जो लेयर है इसका जो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ मान लेते हैं, तो नीचे भी फोर्स लग रहा होगा, इस पर ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है ऊपर से मतलब एफ, और तो निचले वाली लेयर उस पर फोर्स लगा रही होगी. देखो दो लेयर हैं, इस पर फोर्स लग रहा है, ये आगे क्यों फ्लो कर रही है क्योंकि इस पर फोर्स उधर लग रहा है. नीचे की लेयर भी इस पर फोर्स लगा रही होगी पीछे की तरफ जो इसे रोकने की कोशिश कर रही होगी, तो ये एफ पीछे भी है और आगे भी लग रहा है. वही बताना चाह रहा हूँ मैं, म्यूचुअल इंट्रैक्शन का फोर्स है, दोनों लेयर्स के कारण लग रहा है ये, और ए इस लेयर का एरिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया एन ए डेल वी अपॉन डेल ए, तो ये बन गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला. ठीक है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला. नाउ यहाँ पर जो ये है नीटा है, ये है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने पिछले फॉर्मूले में देखा था यहाँ पर. ठीक है, जो कि हमने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल रहे थे हम, जो यहाँ पर हमने देखा ये तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या होता है. तो अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइन एज द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर मैं ये नीटा जो है बराबर हो जाएगा फोर्स के, अगर मैं एरिया को भी क्या कर दूं वन और इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी वन कर दूं. ठीक है, डिफाइन एज अ विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू लेयर्स हैविंग द वन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिनका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, जो दो लेयर्स के बीच में लग रहा है जिनका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वन यूनिट बिटवीन दैम. तो यह आप लोगों का क्या है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक, और हमने विस्कस फोर्स पता, वेलोसिटी ग्रेडियंट और विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप इसको एक वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं, फिर भी नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर देना, देन वी विल सी कि क्या हो सकता है, जो भी होगा जिस भी तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाऊँगा मैं आप लोगों को ट्राई करूँगा समझाने की, या फिर एक और बेहतर अगर इस पर कोई वीडियो बन सकती है तो वो बनाएंगे हम. ठीक है, सो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं, एंड आई होप इट विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.